हम यहाँ से जाने वाले हैं, ऊपर स्तूपा है शिव टेम्पल, कुमदी कोट के लिए मिल जाएगा ना बस यहाँ से? हाँ मिलेगा। भोले शंकर के दर्शन करते हैं भाई। एक चीज और यूनिक नजर आ रही है देखो आसपास ना, गणेश जी मतलब डाउटफुल कपल है। तो ये पहन का कोई ट्रेडिशन होता है या ऐसे ही पहनते हैं? आपका घर किधर है? मेरे घर थोड़ा नीचे। छोटा सा प्यारा सा और मेरे हाथ में भी आ गया। तो देहरादून बेच के इधर आ गए, ऐसा क्यों? ठूला वैसे काटे खाते। अच्छा काट के खाने के लिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल पोखरा। और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं, ऊपर स्तूपा है शिव टेम्पल कहते हैं, बहुत बड़ा है, वहाँ चलेंगे और बस ये दो दिन काम करेंगे। और आने का जो रूट था मेरा वो था वाया बिहार से आपका रेक्सॉल होते हुए काठमांडू। अब मैं जाने वाला हूँ पोखरा से वाया गोरखपुर होते हुए दिल्ली। क्या रूट है, कैसे रहता है, कितना टाइम लगता है, सारी डिटेल आपको मिलेगी पर नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल आज चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाता हूँ आपको चीज़ें और फिर निकलेंगे। भैया हम बैठ के लोकल बस में, यही है जो राइड बुक कर रहे थे ड्राइव इन वालों ने। तो जब बुक कर रहा था भैया, वो जो प्राइस आ रहा था वो एक्सेप्ट कर रहा था, उसके बाद फ़ोन आ रहा है भैया ये प्राइस कम है, ज़्यादा बढ़ा दो। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया, फिर मैंने लोकल बस पकड़ी है आपका लेक साइड से बस है और ये परोटा चौक पहुँच गया। और परोटा चौक से बस जाती है कुमती कोट है ऊपर जगह का नाम जहाँ मैं जाने वाला हूँ। अब देखते हैं यहाँ कौन सी बस है और कितनी देर में आएगी। कुमती कोट के लिए मिल जाएगा ना बस यहाँ से? हाँ मिलेगा। हम भी जाएंगे। आप भी जाओगे? चलो ये भी कुमती कोट जाएंगे हमारे साथ। कुमती कोट के लिए ना बहुत लिमिटेड बस चलती है और मेरे ख्याल से 1-2 घंटे की रूट पे चलती है, वही जाती है और वही आती है वापसी। और अंकल जो मिले हैं इनका अपना घर है वहाँ पे, एक गाँव है ऊपर, देखेंगे अब जाके। कहते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है शिव बैठे हुए की, तो आपको दिखाऊंगा। और स्तूपा भी है ऊपर ना? स्तूपा भी है भैया। फाइनली आ गई कुमती कोट के लिए बस अंकल जी के साथ। कुमती कोट, हाँ इधर ही बैठ जाते हैं अंकल के साथ ही। ये पूरी बस यही जाती है। तो लोकल लोग तो वैसे बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइस फाइनली वी आर रीच इन कुमतीकोट। कुमतीकोट बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आप देखोगे तो ये एक विलेज है पोखरा से। और ये मेरे पीछे शिव मूर्ति है काफी बड़ी। पर यहाँ जो गाड़ियाँ ऊपर तक आ रही है ना भाई, मत पूछो, मतलब बस की हिम्मत है। ये जो बस आई है इतनी खड़ी चढ़ाई है, मतलब हमारे इंडिया में तो फिर भी काफ़ी अच्छी सड़कें कहूँगा, यहाँ की सड़कें ना सटीक हैं, बिल्कुल खड़ी और बिल्कुल सीधा चढ़ाता हुआ लेके आया। भैया डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये चढ़ाई पे रोक देता था, पर काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, नज़ारे हैं आप देख रहे हो, वाह वाह। बैलून राइड करना चाहते हो ऊपर वो भी कर सकते हो। भोले शंकर के दर्शन करते हैं। ये बस मैंने पकड़ी नीचे से मेरे ख्याल से 11:30 बजे आसपास। अब रिटर्न बस यहाँ से जाती है 1 बजे और दूसरी बस जाती है 4 बजे। तो गाइस बताया जाता है इस मूर्ति को रिसेंटली बनाया गया, ये कोई पुरानी ऐतिहासिक मूर्ति नहीं है, इसको जैसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया गया। हार्डली 2 साल हुए और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम पीछे चल रहा है। और ये यूथ आ रखा है काफी सारा, यंगस्टर है जो कि कॉलेज के हैं। हाँ कॉलेज। और ये भी ब्लॉगिंग करता है भाई। नाइस यार, नाइस भाई। आप किधर से हो? मैं इंडिया दिल्ली से। चैनल है क्या? हाँ मेरे भाई छोटा सा है। बढ़िया है। बाकी ये पूरा ग्रुप है और होटल मैनेजमेंट करते हैं सारे, और मेरे ख्याल से 11th या 12th का ग्रुप होगा। और कॉलेज स्कूल में ड्रेस कोड देखो कितना अच्छा है, कोट पैंट में। यहाँ से एंट्री गेट है। एक्चुअली में बेसिकली क्या है, ये एक विलेज पड़ता है जो कि पोखरा से अराउंड 8-10 किलोमीटर ऊपर है और बहुत ही प्यारी जगह है। इस जगह का नाम है पुंडी कोट और वहाँ पे एक शिव मूर्ति बनाई गई है, रिसेंटली बनाई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहा जाता है बैठे हुए शिव की एक लौती मूर्ति है जो सबसे बड़ी है, जिसकी हाइट बताई जाती है 56 फीट ऊंची है बैठे हुए की, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये चीज़ मुझे काठमांडू में बहुत अच्छी लगती है, नेपाल के अंदर जहाँ भी शिव मंदिर या कुछ भी होगा तो आपको यहाँ सारी तरफ जो शिवलिंग है वो चारों तरफ बने हुए नजर आएंगे। सबसे अच्छी खूबसूरती इसकी क्या है कि ये जो पूरा बना हुआ है एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बना हुआ है, जो कि आपको नीचे पोखरा के नीचे लेक व्यू से भी आपको नजर आ जाएगी, इतनी खूबसूरत मूर्ति है। और यहाँ से जो नज़ारा नजर आता है चारों तरफ पोखरा का, वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत बढ़िया। और ना कि सिर्फ शिवजी भगवान की मूर्ति बनी हुई है, पीछे बहुत बड़ा उनका डमरू भी बना हुआ है यार, वाह मज़ेदार, मज़ा आ गया। यहाँ से पूरा लेक व्यू नज़र आता है आपका पोखरा का, ये पूरा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त पता नहीं ये बादलों में इतना फॉग हो रखा है, कहा जा रहा है कि फॉग बेसिकली जो बिहार साइड में उस साइड जो आग लगाई जाती है तूड़ी को, उससे धुएं में
जब से मैं आया हूँ तब से ये ऐसे फॉग है, वरना यहाँ से तो आपको हिमालयन माउंट एवरेस्ट भी नजर आता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हाईएस्ट चोटी कह सकते हैं, अराउंड 10 चोटियों में से 8 चोटियां आपको नेपाल के अंदर मिलेंगी। भाई एक चीज और यूनिक नजर आ रही है, देखो आसपास ना गणेश जी चक्कर काट रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, वो एक स्टोरी है ना जिसपे कहते हैं भैया पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है माँ बाप का, तो उस तरह से इन्होंने स्टोरी बना रखी है। और ये डमरू भी काफी ऊंचा बना रखा है और साथ में नागराज भी बना रखे हैं। मेरे हिसाब से शायद 108 शिवलिंग होने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जितने टेम्पल देखे हैं उनके आसपास जो शिवलिंग बने हुए हैं लगभग 108 शिवलिंग बताए जाते हैं। ऐसे ही हाइट पे स्तूपा भी बना हुआ है जो कि वो वहाँ नजर आ रहा है आपको, वो भी एक पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। ये भी नीचे से ना पोखरा से नजर आता है, ज्यादा दूर नहीं है, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर होगा। और ये आसपास यहाँ से लास्ट व्हीकल जो जाता है 4 बजे जाता है, उसके बाद गाड़ी नहीं मिलती। उसके बाद अगर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी तो भैया समझ लो आपकी जेब पे 1000-1500 नेपाली की चोट लग जाएगी, तो आप देख लेना। तो भैया शूज उतार के चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ से बैठे हुए ना उससे ऊपर सर तक 51 फीट हाइट है, पर अगर आप उसको नीचे से यहाँ से काउंट करेंगे तो अराउंड है 108 फीट। और ये मंदिर बताया जाता है बहुत पुराना है और इसको प्राइवेटली बनाया जा रहा है। जो फंडिंग आ रही है वो लोगों के थ्रू आ रही है। मैंने अभी ड्रोन के लिए मैंने पूछा तो कह रहे भैया पर्ची कटेगी तो आप उड़ा सकते हो, और यहाँ पे एरोप्लेन मोड है। अब मेरे को समझ आ रहा है मैं पता चला पर्ची कटवा दूँ और उड़े भी ना, तो ये रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा बेटर है। अंदर अभी इन्होंने अलाउ नहीं करा। ये हॉल है, नीचे भी मंदिर है और यहाँ से पूरा पोखरा नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल से अपना होटल उस साइड है और ये पूरी लेक व्यू है, ये पूरी पोखरा सिटी है। सभी लोग लगे हुए हैं फोटो सेशन करने के लिए। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ यहाँ पे ना तो ऑल ओवर आपको जगह जगह हिंदू मंदिर, हिंदू चीज़ें और इवन यहाँ के जो लोगों के नाम है खासकर लड़कियों के वो इंडियन मिलेंगे। आपका नाम क्या है? रेशमा। रेशमा, देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे इस तरह के नाम ज़्यादा मिलते हैं। तो आप काठमांडू से हो, कपल हो, मतलब डाउटफुल कपल है। और इनके जो पीछे के नाम होते हैं ना वो चेंज होते हैं। आपका पीछे का नाम क्या है? चित्रकार। चित्रकार है, जो पीछे के नाम है ना वो जो कास्ट होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर ये कास्ट होती है चित्रकार। पहली बार सुन रहे। तो आप मैरिड हो? नहीं, जस्ट फ्रेंड्स हैं। जॉब करते हो? और ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टाइम लगेगा थोड़ा इसको पूरा तैयार होने में। तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो फटाफट शूज पहनते हैं और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं विलेज को। ये आपका लोकल ड्रेस है? तो ये पहन का कोई ट्रेडिशन होता है या ऐसे ही पहनते हैं? ये साड़ी पहन रखा है, शॉल है, क्या है, मतलब क्या होता है? मोगर ड्रेस हो, लुंगी, नीचे लुंगी है, फिर शॉल होता है, दुपट्टा है, नहीं दुपट्टा, ये दुपट्टा है, ये गालेग है। गालेग वो क्या होता है? जितनी कम्युनिटी है यहाँ 126 कम्युनिटी है। मगर मतलब काफी सारी कम्युनिटीज हैं और हम लोग जैसे हम जैसे कॉमन कह रहे हैं ब्राह्मण। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बाकी चीजें पता चलती रहती है जब नई नई जगह जाओ, नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करो तो कल्चर के बारे में पता चलता रहता है। सारे ही बोलने वाला भाषा है, लोप हुआ था भाषा, 200-400 कितना है पता नहीं। और नंदी जी का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये गांव वालों की शॉप्स वगैरह हैं। जैसे ही बताया यार फॉरनर्स बहुत आते हैं और ये सारे ट्रैक कर करके आ रहे हैं नीचे से। देखो इनकी हिम्मत है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई और ये पैदल ही आ रहे हैं नीचे से। इंडियन खाना, पूड़ी, रोटी, सब्जी वगैरह सब मिल जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकल विलेज और यहाँ के लोकल लोग कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं। आप इसी विलेज के लोकल हो तो आप ये काम करते हो यहाँ पे, हो जाती कमाई कमाई हो जाती है? थोड़ा थोड़ा सा होता है। तो भैया मेहनत देखो लोग काफ़ी करते हैं। एक्चुअली में क्या नीचे बहुत है, सामान लेके भी आना होता है, उसका यहाँ बेचना होता है। आपके हस्बैंड? हमारा हस्बैंड विदेश जाता है। कहाँ काम करते हैं? जाना है, अभी जाना है। हेलो हेलो हेलो। कई गांव में, कई जगहों पे तो ऐसा ही रोज का $1 कमाना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे लेडीज का ही ज्यादा बोलबाला है, लेडीज ज्यादा मेहनत करती है ना। कितने बच्चे हैं? बेटी बेटा। बेटी बेटा, तो वो भी कहाँ छोड़ के आए हो? अच्छा बाबा है। अच्छा ग्रैंड फादर वगैरह है, उनके साथ रहते हैं। इसका कोई रेंट वेंट देते हो जो अपना है? ये अपना है। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम क्या आपका? सुना। तो इसीलिए ये बनाया गया कि यहाँ टूरिस्ट आए और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इनकम जनरेट हो। तो यहाँ दूध वगैरह कितने रुपए लीटर रहता है? 60 रुपए लीटर भैंस का दूध। हमारे नेपाल में माना बोलते हैं। माना चलता है। दो माना का 120 रुपए। दो माना का 2 लीटर मतलब। भाई फिर भी बहुत सस्ता है दूध यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो। भैया हमारे यहाँ तो बहुत महंगा, गाय का तो मिलता ही नहीं है। आपका घर किधर है? मेरा घर थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे ही है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? विदेश जा चुके हैं। कौन से जगह? दुबई में काम करते हैं। तो अभी घर पे कोई और है जो उनको बच्चों को संभालता है? दादा
दादा दादी है। अच्छा नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा सीता है। सीता नाम। अच्छा ये पगडंडी कहाँ जा रही है, गांव के अंदर? ये अपने घर है। ये अपने घर है। गांव ठंडा, हवा पानी, वहाँ पोखरा में बहुत गर्मी होती है। हाँ भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। यहाँ होम स्टे भी बने होंगे फिर तो, मतलब लोग बन रहे हैं। इतना खूबसूरत गांव है यार, डेफिनेटली यहाँ रुकने का होना चाहिए हिसाब तक। और ये कुछ है पता नहीं क्या, ये अचार वगैरह क्या है बिक रहा है? ये क्या है भैया? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, तो ये सब लेडीज ज्यादा खाती होंगी इसलिए बिक रहा है। इस तरह से गांव भैंसों के लिए तूड़ी वगैरह इकट्ठी करते हैं, इस तरह से लकड़ी रखते हैं, इस तरह से नीचे ना गाय वगैरह रखी होती है। तो जाहिर सी बात है भैया, इनकम सोर्स तो चाहिए चाहिए। यहाँ पे वैसे भी इनकम को लेकर बड़ा इशू रहता है, इनकम उतनी सोर्स है नहीं खासकर गाँव वगैरह में, शहर में तो फिर भी है। और जो अमीर है वो अमीर बहुत ज्यादा है, और गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है। लेडीज ज्यादा मेहनत करती है, और जो आदमी है वो ज्यादातर यहाँ काम ना करके बाहर काम करना पसंद करते हैं, कि वहाँ पे इनकम ज्यादा मिलती है, पैसा ज्यादा मिलता है इसीलिए। और फर्स्ट इनकम नेपाल की इसी को कहा जाता है, फॉरेन से जो पैसा आता है जो लोग बाहर काम करते हैं। खूबसूरत खूबसूरत गलियां हैं, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ये गेट बना रखे हैं अंदर जाने के लिए, थोड़ा आपको और ऊपर देख के आते हैं। ये देखो छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही शांति वाली जगह है। पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये बना हुआ है गाँव, बहुत ही प्यारा। ये देखो हम बकरियाँ पाली हुई हैं, गायें पाली हुई हैं दूध वगैरह के लिए, जो उन्होंने बछड़े भी दे रखे हैं दो। मैं लास्ट अभी पीछे जो विलेज में गया था वहाँ पोल्ट्री फार्म बना रखा था किसी ने, और हम भी इनके साथ बैठते हैं। मारना नहीं है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना होता बेटा। और ये देखो, हेलो, मारना नहीं, लात ना मारते मुझे। कितना प्यारा है यार, छोटा सा प्यारा सा, और मेरे हाथ में भी आ गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर ये देखो कितना ही प्यारा है यार, छोटा 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 छोटा, इसको एग्जॉटिक कलर भी कहते हैं। ये माँ पे गया, वो बाप पे गया। बकरा है, ये बकरा है, दोनों बकरे हैं। तो बच्चे किन के हैं फिर? ये दोनों बच्चे इसके हैं, इसका लड़का है और लड़की है। अच्छा, अगर जो बकरा होता है उसको फिर क्या करते हो, बेच देते हो? काट के पूजा करना लानते हैं, पूजा बलि दे बलि देते हैं फिर पूजा। कितने का बिकता है बकरा यहाँ पे? 8,000-7,000। 7,000 8,000। और बकरी रखते हो, वो बकरी से क्या करते हो, दूध वगैरह निकालते हैं? दूध घंटे होते हैं, दूध निकालते हैं। और फिर मुर्गी वगैरह भी रखी हुई है, रोज अंडे वगैरह देती है मुर्गी? है मुर्गे ना, मुर्गी है ना, अंडा ना। तो फिर ये क्यों रखी है? काटे। अच्छा, काट के खाने के लिए और बिक्री करनी। बेच भी देते हो? कितना टाइम में बड़ी हो जाती है मुर्गी? 6 महीना। 6 महीने लगते हैं मुर्गी बड़े होने में। और ये बिकती कितने की है? 1,500-2,000। बस 1,500-2,000 मिलता है। आपका घर ये वाला है? ये वाला भी है, ये वाला भी है। और आप क्या करते हो वैसे? बूढ़े भाई है, यही पालनी, घास काटनी, हालनी। और दूध वगैरह भी निकाल के बेचते हैं? बेचते ना, बेमनी था। अच्छा, बच्चा देने वाला? बच्चा देने वाला है। अच्छा, तो उसका वैसे दूध बेचते हो? घर ही खाने, घर का इस्तेमाल हो जाता है। और ये आपका घर है ऊपर? अच्छा, ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। ओके, तो यहाँ तो शाम भी जल्दी हो जाती है, लाइट पानी वगैरह बिजली आता है यहाँ? सब आता है, सब आता है। खम्बे वम्बे आ रखे हैं, लाइट वाइट आ रखी है यहाँ पे। आपका नाम क्या है वैसे? लीला देवी। लीला देवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देहरादून बेच के इधर आ गए, ऐसा क्यों? देहरादून में तो बहुत नेपाली है, खेलने के मूड में। ये पूरी आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ गए खेलने के मूड में? भाई ये तो दोनों खेलने के, मस्ती करने के मूड में। तो ये खूबसूरत खूबसूरत गाँव को एक्सप्लोर करते हुए हम देखो, छोटी छोटी पगडंडियाँ कहीं से कहीं जुड़ जाती हैं निकलते हुए। ये रास्ता है ना गाँव के अंदर अंदर से होते हुए, जो मैं आपको स्तूपा दिखा रहा था उसकी तरफ जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और यहाँ इनका जो गेट है, गेट में बैम्बोज लगा रखे होते हैं, और इस तरह से इनके छोटे छोटे हट होते हैं। और यहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए स्लाइडिंग बना रखे होते हैं। होम स्टे वगैरह का ऑप्शन इतने ही नहीं है यहाँ पे, पर हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ स्टे करने का मज़ा है, वरना आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ। ये देखो ये भी ऊपर घर, यहाँ भी ऊपर जाके घर बना रखा वगैरह, इन्होंने प्रॉपर सीढ़ियाँ बना रखी हैं। और ये पूरा विलेज है आंटी, ये स्तूपा की तरफ यही रास्ता जाएगा? मैं अगर लगे हाथ आए तो भैया, इतनी खूबसूरत जगह पर थोड़ा सा ट्रैक करना तो बनता है, इतने प्यारे नेचर को, इतनी ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है। बहुत ही प्यारी जगह है नेपाल में। देखो आपने कल्चर के हिसाब से देखा जाए, लड़की बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, आप मतलब किसी भी लड़की से कैसे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन कई जगहों पे तो ऐसा कहा जाता है, काठमांडू में ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियाँ फ्रीली अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आज़ाद हैं, और यहाँ कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। ज़्यादातर लड़कियाँ ही यहाँ की लोकल में सोसाइटी में घर बिजनेस संभालती हैं, और आदमी रहते हैं बाहर ज़्यादातर। तो थोड़ा सा कहते हैं कि भैया लड़कियाँ यहाँ पर थोड़ा फ्रीली हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हैं। चलते हुए फिर एक खूबसूरत सा घर, प्यारा सा वो ऋषि मूर्ति। और ये देखो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी है। वो जाना है स्तूपा वो रहा, चलते हैं। ये ट्रैक है पूरा, तो गाँव से बीचों बीच निकल के ट्रैक है, ऊपर से रास्ता आ रहा है यार, बहुत ही प्यारा।
अगर कुछ नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ से निकल के स्तूपा तक इस रस्ते को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है यार। वाओ भाई, हाँ घटी दुर्घटना घटी वाली कहानी है। वहाँ से ऊपर से हम आ रहे हैं और वहाँ जाना है। लोगों को पता है, गाँव वालों को, यहाँ से लोग ट्रैक करके जाते हैं तो खाने पीने का सामान और पानी वानी बेच रहे हैं। भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, पहाड़ पे मोड़ने का झंझट। वो देखो मुर्गी मुर्गी मुर्गी। भाई साहब बहुत बुरा लगता है जब इतनी चढ़ाई और इतना चलना हो और ऊपर से थक जाए इंसान और ऊपर से फिर रास्ता भटक जाए। वहाँ चले गया तो ऊपर से नीचे आ गया, अब नज़र आया स्तूपा जाने का ये रास्ता। चलो भाई थैंक यू बताने के लिए। खतरनाक भी है, साथ में कुछ नहीं है, खाई है खाई, सीधा खाई। तो आराम आराम से चलते हैं। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भैया, ट्रैवलिंग में मेहनत है। देखो घूमना आपको लगता है घूम रहे हैं, आपको घूमते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। घूमते हुए वीडियो बनाना, हमें वो जगहें ढूंढना और कई जगहों पे हमें पैदल एक्सप्लोर करना, मन ना मन चाहते हुए भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के साथ उस चीज़ों को शेयर करना होता है। तो भैया इस मेहनत को लेकर भैया एक लाइक तो बनता है अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, और नए हो भैया सब्सक्राइब और बेल आइकन भी बनता है। बेल आइकन इसलिए कहते हैं भैया कि जब हम मेहनत करके एक और वीडियो डालेंगे आप तक वो वीडियो पहुँच जानी चाहिए। और फॉलो करना चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, कुछ भी बात करनी हो वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हो। तो बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।